नमस्कार दोस्तों, इन्फोटोस्ट के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली बैन किए गए मॉस्किटो किलर रैकेट को लेकर, जहां पर देश में सस्ते और घटिया चाइनीज प्रोडक्ट्स की सेल्स एंड इम्पोर्ट्स को कम करने एंड आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट करने के लिए रिसेंटली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने चाइना से इम्पोर्ट किए जाने वाले मॉस्किटो किलर रैकेट पर बैन लगा दिया है। बेसिकली इस पर्पज के लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरन ट्रेड DGFT की तरफ से नोटिफिकेशन इशू किया गया है, जिसके कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट इन सबको मिलाकर जिस भी चाइनीज मॉस्किटो किलर रैकेट की प्राइस ₹121 से नीचे होगी, उसको इंडिया में इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। एंड इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन चाइनीज मॉस्किटो किलर रैकेट्स को अब फॉरेन ट्रेड के लिए जो फ्री कैटेगरी होती है उसमें से निकालकर प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया गया है। इन शॉर्ट, बैन कर दिया गया है। दोस्तों अभी तक इंडिया में एंड इंडियन मार्केट में इन मेड इन इंडिया मॉस्किटो किलर रैकेट्स की भरमार थी एंड सस्ते प्राइस होने के कारण मोस्टली हमारे इंडियन मार्केट में इन चाइनीज प्रोडक्ट्स को ही परचेस किया जाता है एंड इसी कारण हमारे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बिक नहीं पाते हैं, जिसको इनकरेज करने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया है। बेसिकली ये अपडेट गवर्नमेंट ने 4-5 दिन पहले ही रिलीज कर दी थी, लेकिन अब ये अपडेट पूरी तरह से सामने निकल कर आई है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है इंडिया एंड यूके के बीच रिसेंटली साइन हुए एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, जहां पर इंडिया एंड यूके दोनों देशों के बीच में ट्रेड रिलेशनशिप्स को और बेहतर करने एंड आल्सो दोनों कंट्रीज के बीच में न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज खोलने के लिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर एंड ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया गया है। बेसिकली भी एक दिन पहले ही इंडिया एंड यूके के बीच एक वर्चुअल समिट हुई थी, जिसमें दोनों कंट्रीज के बीच बायलेटरल ट्रेड को लेकर कई सारे एग्रीमेंट साइन किए गए हैं एंड इसी के अंतर्गत दोनों देशों के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग 2030 तक इंडिया एंड यूके की ट्रेड वैल्यू एंड ट्रेड को करंट वैल्यू से इंक्रीज करके डबल कर दिया जाएगा, जो करंटली इंडिया एंड यूके के बीच अराउंड 23 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर ईयर का बायलेटरल ट्रेड होता है। एंड वहीं इस वर्चुअल समिट के अकॉर्डिंग इंडिया यूके में अराउंड 533 मिलियन पाउंड्स के ट्रेड्स एंड इन्वेस्टमेंट्स करेगा, जो कि यूके में अराउंड 1 बिलियन डॉलर्स तक के न्यू बिजनेस को जनरेट करने में हेल्प करेंगे। एंड वहीं इन कंसीडरेशन यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया को और भी लार्ज नंबर्स एंड लार्ज वैल्यू में बिना टैरिफ्स हाई करे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने के लिए अप्रूवल देगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में 5G नेटवर्क डिप्लॉयमेंट को लेकर, जहां पर हमारी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की तरफ से इंडियन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को इंडिया में उनके 5G नेटवर्क ट्रायल शुरू करने के लिए अप्रूवल दे दी गई है। बेसिकली दोस्तों इस आर्टिकल में दो बहुत ही बेहतरीन अपडेट्स हैं, जिसमें से पहली अपडेट के अकॉर्डिंग अब ऑफिशियली इंडिया में 5G डिप्लॉयमेंट के लिए एंड आल्सो 5G लॉन्च के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने इंडियन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को उनके 5G नेटवर्क टेस्ट एंड ट्रायल करने के लिए अप्रूवल दे दी है। एंड इसी के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने टोटल 13 एप्लीकेशंस को अप्रूव कर दिया है। एंड वहीं दूसरी शानदार अपडेट के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने जिन टोटल 13 एप्लीकेशंस को अप्रूव किया है, उसमें से एक भी चाइनीज कंपनी को अप्रूवल नहीं दिया गया है, जिसमें चाइनीज मेजर टेलीकॉम जॉइंट कंपनीज हुआवे एंड ZTE को सीधे सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि हमारे देश की दो टेलीकॉम कंपनीज भारतीय एयरटेल लिमिटेड एंड वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, इन दोनों कंपनीज ने पहले उनके 5G नेटवर्क के लिए चाइनीज इक्विपमेंट्स के साथ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को प्रपोजल सबमिट किए थे, लेकिन एज यू ऑल नो कि हमारी गवर्नमेंट देश में 5G को लेकर बिल्कुल भी चाइनीज इंटरफेरेंस नहीं चाहती है, जिसके चलते फिर भारतीय एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया लिमिटेड इन दोनों कंपनीज ने चाइनीज कंपनीज के इक्विपमेंट्स को छोड़कर दूसरी नॉन चाइनीज कंपनीज के इक्विपमेंट्स यूज करके प्रपोजल सबमिट किए थे, जिसके बाद अब इन्हें भी अप्रूवल दे दी गई है। एंड ऑल्सो रिलायंस जियो उनके 5G नेटवर्क के लिए इंडिजिनियसली डेवलप्ड उनके खुद के 5G इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करने वाली है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड रिसेंटली अनाउंस की गई PLI स्कीम को लेकर, जहां पर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली अप्रूव की गई इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग PLI स्कीम के अंडर टोटल 19 कंपनीज के द्वारा एप्लीकेशन सबमिट कर दी गई है, जिसमें कई सारी फॉरेन कंपनीज एंड कई सारी डोमेस्टिक कंपनीज शामिल हैं। बेसिकली मार्च 3 को हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने देश में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर जैसे कि लैपटॉप्स, टैबलेट्स, PCs एंड सर्वर्स, इस तरह के प्रोडक्ट्स एंड इक्विपमेंट्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए इसी साल मार्च 3 को एक न्यू PLI स्कीम अनाउंस की थी, जिसके अकॉर्डिंग सिलेक्टेड कंपनीज को इंक्रीमेंटल सेल्स एंड प्रोडक्शन के बेसिस पर अप टू 4% तक के इंसेंटिव प्रोवाइड करवाए जाने वाले थे। एंड इसी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 7300 करोड़ रुपीज का बजटरी आउटले सामने रखा था। एंड नाउ इसी PLI स्कीम के अकॉर्डिंग टोटल 19 कंपनीज ने उनकी एप्लीकेशंस मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सबमिट कर दी है, जिसमें अगर कंपनीज की बात करें तो फॉरेन कंपनीज डेल, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन एंड फ्लैक्सटोनिक्स एंड वही डोमेस्टिक कंपनीज डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इंफ्रा पावर, माइक्रोमैक्स, ऑर्बिक, न्योलिंक, नेटवेब, ऑप्टिमस, स्माइल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कोकोनिक्स, इस तरह की कुछ कंपनीज शामिल हैं। एंड इन टोटल इनमें से 5 कंपनीज फॉरेन कंपनीज हैं एंड वही 14 डोमेस्टिक कंपनीज हैं।
अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है फ्रांस बेस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइडिंग मल्टीनेशनल कंपनी कैपजेमिनी की तरफ से, जहां पर भारत में कोरोना संक्रमण के बढ़ते केसेस को देखकर एंड आल्सो इंडिया को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मेडिकल एड एंड हेल्प प्रोवाइड करवाने हेतु इस फ्रांस बेस्ड आईटी कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो भारत में 50 करोड़ रुपीज के फंड डोनेट करेंगे ताकि इंडिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी बेहतर किया जा सके। बेसिकली 50 करोड़ रुपीज की फंडिंग के अकॉर्डिंग ये फ्रांस बेस्ड कंपनी इंडिया में कोविड केयर आईसीयू फैसिलिटीज, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स एंड अदर लॉन्ग टर्म मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगी ताकि इनकी तरफ से भारत के लोगों को कोरोना की सेकंड वेव से कुछ राहत मिल सके। एंड ऑलरेडी इस कंपनी की उन सभी इंडियन स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातचीत चल रही है जहां पर इनकी प्रेजेंस है ताकि वहां पर सबसे पहले हेल्थ केयर फैसिलिटीज को प्रोवाइड करवाया जा सके। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई बेस्ड इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से, जहां पर उन्होंने एक और मुंबई बेस्ड इंडियन राइड शेयरिंग कंपनी मेरू कैब्स को फुली एक्वायर कर लिया है। बेसिकली मेरू कैब्स एक राइड शेयरिंग कंपनी है जिस 2006 में इनकॉर्पोरेट किया गया था एंड ये कंपनी डोर टू डोर एसी कैब सर्विस प्रोवाइड करती है। एंड एज यू नो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा भी एक ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिनका प्लान है कि वो इंडिया में मोबिलिटी सर्विस बिजनेस में उनकी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश कर उसे एक्सपैंड करना चाहते हैं, जिसके चलते आज से 2 से 3 साल पहले इन्होंने मेरू कैब्स के अराउंड 43.2% स्टेक को एक्वायर कर लिया था एंड नाउ इन्होंने इसका जो रिमेनिंग स्टेक था उसे भी एक्वायर कर लिया है। दोस्तों मेरू कैब्स का रिमेनिंग शेयर्स एंड स्टेक इस कंपनी के प्रमोटर्स एंड प्राइवेट इन्वेस्टर्स के साथ एक्वायर किया हुआ था, जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 2 एग्रीमेंट साइन करके सबसे पहले मेरू कैब्स का 44.14% का स्टेक एक्वायर कर लिया है एट अ कैश वैल्यूएशन ऑफ ₹76.03 करोड़। एंड वहीं सेकंड एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इस कंपनी का रिमेनिंग 12.66% का स्टेक भी एक्वायर कर लिया है एट अ कैश वैल्यूएशन ऑफ ₹21.63 करोड़। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की तरफ से, जहां पर इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन फूड इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए रिसेंटली लॉन्च की गई पीएलआई स्कीम के अकॉर्डिंग डिटेल्ड न्यू ऑपरेशन गाइडलाइंस इशू कर दी हैं। बेसिकली देश में मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत हमारी इंडियन फूड इंडस्ट्री एंड इंडियन फूड प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरर्स के ग्रोथ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसी साल एक न्यू फूड पीएलआई स्कीम को अनाउंस किया था, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अराउंड 10,900 करोड़ का बजटरी आउटले सामने रखा था। एंड नाउ इसी के अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने न्यू गाइडलाइंस इशू कर दी है, जिसमें इन्होंने कंपनीज को 3 कैटेगरीज में बांट दिया है, जिसमें से पहली कैटेगरी लार्ज एंटिटीज और लार्ज कंपनीज के लिए है, वहीं दूसरी कैटेगरी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए है एंड वहीं थर्ड कैटेगरी सोल ट्रेडर्स, फर्म्स एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इन सब के लिए है, जिसमें इन सभी स्मॉल मीडियम एंड बिग कंपनीज को उनकी प्रोडक्शन एंड सेल्स के अकॉर्डिंग इंसेंटिव प्रोवाइड करवाए जाएंगे एंड कुछ एडिशनल इंसेंटिव भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। दोस्तों न्यू गाइडलाइंस काफी ज्यादा लंबी है, जिस कारण आप इन्हें गूगल पर जाकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो सकती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है हमारी नॉर्दर्न स्टेट पंजाब से, जहां पर पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा उनकी स्टेट के पटियाला डिस्ट्रिक्ट में फिश फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए एक न्यू एक्शन प्लान प्रिपेयर कर लिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग पंजाब गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इनिशियल फेजेस में फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए ₹2.7 करोड़ भी एलोकेट कर दिए हैं। बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट का प्लान है कि वो उनकी स्टेट में फिश फार्मिंग को एज अ मींस ऑफ लिवलीहुड एक्सेप्ट करके फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करना चाहते हैं, जिसके चलते पंजाब गवर्नमेंट ने ये न्यू एक्शन प्लान प्रिपेयर किया है। एंड अगर दोस्तों डिटेल में बात करें तो पंजाब के पटियाला डिस्ट्रिक्ट में फिश फार्मिंग के लिए 84 लाख रुपीज स्पेंड करके न्यू पॉन्ड्स का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। फर्टिलाइजर फीड के लिए इस साल 48 लाख रुपीज स्पेंड किए जाएंगे। 7.5 लाख रुपीज सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम के लिए एलोकेट किए गए हैं। बायोफ्लॉक के लिए 60 लाख रुपीज एंड ऑल्सो 7.5 लाख रुपीज मोटर बाइक्स के लिए अप्रूव किए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें काफी लंबे समय बाद पंजाब स्टेट से कोई अच्छी अपडेट देखने को मिल रही है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से, जहां पर उनकी तरफ से देश में जितने भी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन कैरिंग टैंकर्स हैं उन सब में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस इंस्टॉल करना मैंडेटरी कर दिया गया है। बेसिकली एज यू ऑल नो कि आज ऑलमोस्ट हर स्टेट गवर्नमेंट ये कंप्लेंट कर रही है कि उनकी स्टेट में ऑक्सीजन सही क्वांटिटी एंड एडुकेट अमाउंट में नहीं पहुंच रही है, जबकि हम डेली देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट लगातार प्रयास कर रही है कि वो हर एक स्टेट में एडुकेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पहुंचा सके। एंड क्योंकि इस समय डेली लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड इतनी ज्यादा है कि गवर्नमेंट को इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, जिसके चलते हर एक स्टेट में एडुकेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने इस व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इंस्टॉल करना मैंडेटरी कर दिया है, जो कि एक इनका एक काफी अच्छा इनिशिएटिव है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से भी अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।